श्रीमद् होम रेमेडीज में आपका स्वागत है और हम आपको बताएंगे कि पुरुष और महिला में ज्यादा गप्पेबाजी कौन करते हैं। मेरे हिसाब से गप्पेबाजी में महिलाओं की कोई सानी नहीं है, गप्पेबाजी में पुरुषों से काफी आगे होती है। ये मेरा पर्सनल व्यू है, मैं किसी भी महिला को, किसी भी अपने सब्सक्राइबर को हर्ट नहीं करना चाहता हूं। ये मेरा अपना बिल्कुल पर्सनल व्यू है, जो मेरा मतलब 14 साल के बाद, जब मैं 14 साल 15 साल का हुआ तब से जो मैं आज से देखता आया हूं उसका पूरा निचोड़ है ये। आमतौर पर महिलाएं अपना घरेलू कामकाज करने के बाद खाली समय दूसरों के संबंध में बातचीत करने में गुजारती है। महिलाओं को यह समझना चाहिए कि बातचीत करते समय किसी के भी संबंध में अप्रिय अभद्र बात करना उसके लिए तो महज एक मनोरंजन हो सकता है, लेकिन इससे दूसरे व्यक्ति की छवि पर बेहद नकारात्मक असर पड़ता है। पुरुष खाली वक्त जब होता है तो पार्टी की बात करेंगे, शराब की बात करेंगे, सिगरेट की बात करेंगे, अपोजिट सेक्स की बात कर सकते हैं, पर एक दूसरे दोस्त की बुराइयों के मामले में वो सिर्फ 20% ही करते हैं, 80% मर्द लोग नहीं करते हैं ऐसा। औरतों का यहां तक सवाल है, वह इसके संबंध में बेहद लापरवाह होती है। याद रखें कि गप्पेबाजी करना सिर्फ समय गुजारने का एक साधारण सा तरीका नहीं होता है, उससे भी सार्थक मायने होने जरूरी है। आपस में गप्पेबाजी करते समय महिलाओं को समझना चाहिए कि भले ही वो अपना वक्त काटने का एक जरिया हो, बोरियत को कम करने का उनके पास मौजूद सीधा साधा सरल उपाय हो, एक दूसरे की बुराई बुराई भले ही वो रस लेकर सुने या बताएं, लेकिन जिनके संबंध में वो नेगेटिव बातचीत करती हैं इससे उसकी छवि काफी धूमिल होती है। निंदा रस के जिन बातों से वो आनंदित होती है, जिसे शिकार बनाया जाता है, वो उन्हें सुनकर कितना आहत होता होगा। देखो हमारे शास्त्रों में भी लिखा हुआ है कि कभी किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए, और मैं आपको बता देता हूं जब आप किसी की निंदा करते हैं तो आदमी उतनी ही ज्यादा तरक्की करता है, उसके लिए वो फायदेमंद है। आप बेशक उसकी छवि को धूमिल करते हैं पर इससे उसको फायदा होता है इनडायरेक्टली, वो तरक्की करेगा, तरक्की करेगी। जिस महिलाएं जिस बात को बताकर किसी दूसरे से उसे न बताने की बात कहती है, अक्सर वही बात दूसरी औरत अन्य औरतों को बताती है, लेकिन महिलाओं की गप्पेबाजी की आदत कई बार खतरनाक मोड़ ले लेती है। कई महिलाएं आगे पीछे की परवाह किए बगैर आपस में बतियाते हुए सीमाओं का उल्लंघन कर जाती हैं। महिलाएं गप्पेबाजी के दौरान सूचनाओं के आदान प्रदान में प्राय उन महिलाओं को निशाना बनाती है जो उनके बीच मौजूद नहीं होती है। एक दूसरे से ईर्ष्या की भावना दूसरे के संबंध में भ्रामक सूचनाएं फैलाने के लिए उकसाती है। आमतौर पर महिलाएं आपस में गप्पेबाजी करते हुए भावनाओं के आवेग में बहकर या महत्वपूर्ण सूचनाओं की ज्ञाता होने का गौरव हासिल करने की होड़ में एक दूसरे से संबंध में अक्सर अप्रिय बातें करती हैं। किसी की छवि को खराब करने के लिए फैलाए जाने वाले र्यूमर से उस व्यक्ति को काफी कष्ट होता है। महिलाओं में यदि किसी बात पर तूतू मैमे हो जाए तो गुस्से के आवेश में दोनों तरफ की सभी बातें कह दी जाती है, जिससे दोनों के बीच संबंधों में खाई और ज्यादा गहरी हो जाती है। विभिन्न अध्ययनों से यह बात उभर कर आई है कि गप्पेबाजी की शुरुआत और उसके विस्तार लेने के पीछे जो वजह है वो बड़ी होती है। मनुष्य एक दूसरे के साथ सरोकार जिस किसी व्यक्ति के पास कोई रहस्य होता है वो उस रहस्य को सभी को बताने के लिए हर समय उत्साहित रहता है। महिलाओं पर यह बात खास तौर पर लागू होती है, पुरुषों पर भी होती है, ऐसी बात नहीं कि पुरुषों पर नहीं होती है, पर महिलाओं पर यह बात ज्यादा लागू होती है। जिसके पास किसी के संबंध में सूचना होती है वो सूचना का स्रोत होता है। अभी उनकी बातचीत में भागीदारी करने वाली महिलाओं का तहे दिल से स्वागत किया जाता है। इस गप्पेबाजी की सबसे बड़ी विशेषता होती है कि इस ग्रुप जिसके बारे में बात किया जाता है उस ग्रुप में शामिल नहीं होती है, उसी के संबंध में अप्रिय बातें की जाती है, अच्छाइयों की बात बहुत कम होती है। इसलिए कोई भी खास समय में सुनने वाली महिला अगली बार की बातचीत का केंद्र बिंदु हो सकती है। आज हम सुन लिए तो हमको भी कहीं ना कहीं बताना है, तो हम उसके अगली बार हम केंद्र बिंदु होंगे। महिलाएं दूसरे के संबंध में जो भी जानकारी शेयर करती है उनका मकसद किसी की छवि खराब करना कतई नहीं होता है, यह उनकी बातचीत की एक विशिष्ट शैली होती है। बैठे ठाले किसी के संबंध में भ्रामक सूचनाएं फैलाना उसके लिए बेहद पीड़ादायक होता है जिसके संबंध में ऐसी सूचनाएं फैलाई जाती है। रहा मर्दों का सवाल, तो मर्द जब भी इकट्ठे होते हैं तो वो बहुत कम मर्द ऐसे होते हैं जो जल्दी किसी की बात करेंगे, तो गप्पेबाजी में औरतें हमेशा मर्दों से आगे रहती है। तो धन्यवाद, आप हमारे चैनल पर स्वागत है, आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।